नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि ज्वाइंट पेन। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइंट पेन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि जैसे कि आज के जो नौजवान हैं उनके भी कमर में पेन हो रहा है। ज्वाइंट पेन जो गर्दन होता है पीछे का, यहाँ पर भी हो रहा है, कंधे पे हो रहा है, पैरों में हो रहा है, घुटनों में हो रहा है, जो एड़ियाँ होती हैं वहाँ पर हो रहा है। पूछो ही मत कि ज्वाइंट पेन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें एक छोटा सा उपाय बताऊँगी जो कि आपकी लाइफ को भी बदल देगा और आपकी बीमारी को भी दूर कर देगा। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर सेलेक्ट करें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करें। ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट पेन एक ऐसा बीमारी है कि अच्छे अच्छों का हवा निकाल देता है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, अगर आप भी अपने ज्वाइंट पेन को जड़ से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि आपको लेना है तिल्ली का तेल। तिल्ली यानी कि जो तिल होता है, उस तिल के तेल में बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे चेहरे के निखार के लिए अच्छे होते हैं, हमारे बालों को लंबा काला घना बनाने के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन इससे जो है हमारे ज्वाइंट पेन के लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप 2 चम्मच तिल का तेल लेते हैं तो उसमें आप 2 कप पूर ले लीजिए, जो पाउडर बना के उस तेल में उसको ऐड कर देना है, मिक्स कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है कि उसी तेल को गर्म कर दें। जी हाँ दोस्तों, उस तेल को गर्म करने के बाद आपके शरीर में, अगर पूरे बॉडी में अगर मसाज कर लेते हैं उसी तेल से, तो 100% आपको एक घंटे में आपके पूरे दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इसे एक दिन के करने से नहीं होगा, रोज़ाना करना पड़ेगा। मतलब रात में सोने से पहले इस तेल से मसाज करके सोते हैं तो सुबह उठने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कभी ज्वाइंट पेन हुआ था। 100% के इससे आपको फर्स्ट टाइम में ही आराम मिल जाएगा। लेकिन आपको इसे रोज़ाना कंटिन्यू, आप 15 से 20 दिन कंटिन्यू रोज़ाना इस तरह से मसाज करके सोइए, इससे किसी को कोई भी साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होगा। इससे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है इस तरह से मसाज करने से। सर्दी का सीजन चला है, उनको सर्दी भी नहीं लगेगा। अगर खांसी जुकाम बुखार आता है तो इस तेल से इस तरह से मसाज जरूर करें। बड़े लोगों के जो खासकर ज्वाइंट पेन के लिए उपाय है, तो इस उपाय को अगर आप रोज़ाना अक्सर रात में करते हैं तो आपकी समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर छोटा सा टिप्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने फैमिली का ध्यान रखें और आप लोग भी इंजॉय करते रहें। लव यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।